नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हो। मैं ग्रीन सॉन्ग की तरफ से आप सभी के लेके लेके आया हूँ एक अच्छा प्रोडक्ट और एक अच्छी नई जानकारी जो किसानों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम आज बताने जा रहे हैं बायो डीकम्पोजर के बारे में। ये बायो डीकम्पोजर इफ्को के द्वारा मार्केटिंग की जाती है और इसको आपको मैं दिखा सकता हूँ कि जो गाजियाबाद रिसर्च सेंटर है उनके द्वारा इसको निकाला गया है, नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए इस प्रोडक्ट का यूज़ किया गया है और जो इसकी मार्केटिंग करने वाली है वो है इफ्को, इसकी जो इफ्को इसकी मार्केटिंग करती है। ये किसान भाइयों वेस्ट डीकम्पोजर है जो फसल के अवशेष कूड़ा करकट या एक बार जो भी एग्रीकल्चर के सब्जी प्रोडक्ट है उनको गड़ा कर हम उसमें यूज ले सकते हैं। खेती बाड़ी में वर्मी कंपोस्ट के रूप में, खाद के रूप में, सभी से यूज ले सकते हैं। ये प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने के लिए वर्तमान में जो फसल है वो बची हुई है, खाद है, जर जो भी हम इन्वायरमेंट में पेस्टिसाइड की यूज से सभी चीज़ें बेकार की हो रही है, वो अच्छी नहीं हो रही। इस कारण हमने जो धीरे धीरे ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ने का प्रयास किया है और अच्छे प्रोडक्ट देने की प्रयास की है और लगभग देश में 6200,000 टन प्रति हेक्टेयर कृषि अवशेष उत्पन्न होते हैं और उनका 50% तो वो जानवरों को खिलाने में बेकार चला जाता है और शेष 50% वो भी बेकार ही होता है। और जो ये वेस्ट डीकम्पोजर है इसके यूज़ से हम फसलों के लिए एक अच्छी खाद तैयार कर सकते हैं और जो भी अपने वेस्ट कम्पो जो भी अपने वेस्ट कृषि अवशेष हैं उनको ऐसे ही फेंक देते हैं, जला देते हैं, उनसे बचाने के लिए हमने इसका भी उपयोग करके अच्छी एक न्यूट्रिएंट वैल्यू वाली खाद तैयार कर सकते हैं। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कृषि मंत्रालय गाजियाबाद की तकनीक की सहायता और इसको प्रबंधन की सहायता से नई दिल्ली ने निर्देशक क्रॉपटरी रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट जो ट्रस्ट है मोतीलाल नेहरू फार्मर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और इफ्को गियानगर और फुलनगर इलाहाबाद ने भी बायोट्रेजन के अस्पताल को उपलब्ध कराती है। ये कंपनी है जो उपलब्ध कराती है जिसका प्रयोग स्वस्थ पर्यावरण के साथ उपजाऊ स्वस्थ मिट्टी ऊर्जा गुणवत्ता की उत्पादकता में वृद्धि हो रही है। बायोडीकम्पोजर के बारे में मैंने बता दिया क्या है लेकिन हम इसका उपयोग क्या कर सकते हैं। सीधा इसका उपयोग करने के लिए धान या गेहूं की फसल में कटाई के बाद समय तो अधिक बाग जड़ पत्ती तना आदि खेत में रह जाते हैं और वर्तमान में मशीनों की कटाई से बढ़ती बहुत ज़्यादा इसमें ज़्यादा ये क्योंकि वर्तमान में जो मशीनें हैं वो स्ट्रा ज़्यादा छोड़ती हैं, मतलब उनका कचरा ज़्यादा छोड़ती है, वो जो सीड है या ग्रेन है उनसे जल्दी लेके अपने किसान जल्दी जल्दी प्रोडक्शन लेने की सोचता है। तो इसीलिए तो इसका एक ब्लेंडर में 2 लीटर पानी में भरकर 2 किलो गुड़ का घोल डालकर डालने के बाद बायोडीकम्पोजर को एक डिबिया 20 ग्राम की डिबिया है वो डाल देते हैं और ड्रम के ढक्कन से ढककर देते हैं। 2 दिन तक लंबे डंडे की सहायता से 2-3 बार चलाते हैं। 4वें-5वें दिन सफ़ेद रुई के रूप में पानी सतह पर फंगस वृद्धि दिखाई पड़ती है और 6वें-7वें दिन नीले रंग की और हरे भूरे रंग का फंगस वृद्धि हो जाती है। ड्रम के पानी में चित्र में मिलाकर खेत में सिंचाई से पहले और साथ ही 1 एकड़ में उपयोग कर सकते हैं। जो 200 लीटर पानी है उसको हम 1 एकड़ के लिए उपयुक्त है। 200 लीटर पानी डाल के ड्रम लेते हैं, उस ड्रम में 2 किलो गुड़ डाल के और 20 ग्राम की डिबी डाल के हिलाते हैं धीरे धीरे कम से कम 7-8 दिन तक। बाद में उसे अपना तैयार हो जाता है और खेत में सीधा अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम गोबर की खाद है उसे गलाना चाहते हैं तो उसके लिए भी यही प्रोसेस है, पर उसमें ये है कि उसमें 15 या 30 दिन के अंतराल के बाद में डालते हैं और गड्ढा बनेगा 50 दिन के अंदर उच्च कोटि की कार्बनिक खाद मिल जाती है। मतलब इसमें क्या गोबर को जैसे जैसे गोबर की खाद डालते हैं वैसे वैसे गोबर की खाद पर डालते जाओ, 15 से 20 दिन तक बाद उसमें गोबर डालना बंद कर दो, उस गड्ढे को बंद कर दो और फिर 50 दिन के बाद में अपने को बहुत ही अच्छी क्वालिटी की खाद जैसे वर्मी कंपोस्ट भी देखो दोस्तों 2 महीने मतलब 60 दिन में तैयार होती है लेकिन ये 50 दिन में भी तैयार करके अपने को एक अच्छी क्वालिटी की खाद दे सकता है। और पेड़ पौधों में भी अपना जो हॉर्टिकल्चरल्स अपने प्लांट्स हैं उनमें भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अंदर अपने पौधों के अंदर 2 लीटर पानी का पन्नी छिड़काव कर सकते हैं जिस ड्रम में तैयार कर लिया और वहाँ अपने इसका
स्प्रे जो पौधों के ऊपर अपनी कर सकते हैं। इसमें सावधानी रखने का है कि इसका भंडारण हमेशा धूप से दूर और ठंडे स्थान पर करना चाहिए, ये इसका मेन है, क्योंकि इसके अंदर खुद के अंदर एक फंगस है जो गोबर की खाद को डिकम्पोज करती है, तो इसे ठंडे स्थान पर रखना चाहिए। और इसके बारे में अगर और कोई जानकारी चाहिए तो हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है उन पर आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।